जी हाँ, सोना और चांदी आपको जल्दी मालामाल करवा सकता है। आपको बता दें कि कोरोना काल में सोने और चांदी की कीमतों में बड़ा उतार चढ़ाव दर्ज हुआ है। ऐसे में कमोडिटी बाजार के कारोबारियों ने सोने और चांदी को लेकर बड़ी खबर दे दी है। ऐसी कई सारी खबर है कि एक सप्ताह में ऑल टाइम हाई से नीचे आया सोना, लॉकडाउन में निवेश का सुनहरा मौका। जी हाँ, ऐसी कई सारी बड़ी अच्छी खबर है जिसमें सोने और चांदी से मालामाल हो सकती है। दरअसल कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए देश में लागू लॉकडाउन के दौरान कीमती धातु में निवेश करने का सुनहरा मौका है। बीते एक सप्ताह की बात करें तो यह ऑल टाइम हाई से गिरकर कमजोर हो चुका है, यानी कि सोने की कीमतों में बड़ी तेजी के बाद बड़ी गिरावट दर्ज हुई है, जबकि इसके विपरीत चांदी की कीमतों में लगातार बड़ी तेजी दर्ज हुई है। बीते एक सप्ताह के दौरान चांदी के भाव में करीब 1390 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है। भारत में सोना हमेशा विपरीत परिस्थितियों का साथी माना जाता है और लोग इसमें निवेश करना पसंद भी करते हैं। इस लिहाज से यह समय सोने की खरीदारी करने के लिए बिल्कुल अनुकूल है। देश के कमोडिटी बाजार के कारोबारियों की माने तो उनका कहना है कि इन दिनों कीमती धातुओं की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। सरापा बाजार में सोने के मुकाबले चांदी मजबूत हुई है, जबकि सोना अपने सर्वकालीन ऊंचाई पर पहुंचने के बाद नीचे उतर चुका है। बाजार विशेषज्ञों की माने तो वे कहते हैं कि फिलहाल सोना में निवेश करना फायदेमंद साबित हो सकता है। इसी के साथ में अमेरिकी बैंक की रिपोर्ट की माने तो उनका भी कहना है कि 2021 से पहले सोने के भाव में बड़ी तेजी आएगी। आंकड़ों के अनुसार सोने का भाव 80,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के अनुसार जा सकता है, यानी कि यह तो साफ है कि आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी तेजी आ सकती है। और इसीलिए देश के कई बड़े जानकार यह कह रहे हैं कि सोने में निवेश करना अभी सही है। वही कीमतों की बात करें तो अभी सोने का भाव 46,550 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है। चलिए तो इसी के साथ में नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, क्या सोने में निवेश करना चाहिए या नहीं।